हाँ जी, वेलकम टू बदाम रसोई जी आयम। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंजीरा के फेमस नारियल लड्डू। नारियल लड्डू बनाने के लिए हमें लगेगा खोया 400 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, नारियल 150 ग्राम, बबूल की गोंद 50 ग्राम। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल डालेंगे और मध्यम आंच पे हमने बबूल की गोंद को डाल देना है और इसको हल्का सा तलना है। तलना इतना है कि ये रेड हो जाए हल्की सी, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसको एकदम टाइट हमने फ्राई नहीं करना है। तो करीबन आप देख सकते हैं एक डेढ़ मिनट के अंदर बबूल की जो गोंद है वो एकदम क्रंची हो जाएगी, और जैसे ही क्रंची हो जाए और इसका कलर हल्का सा रेडिश होने लगे, आप इसको एक प्लेट में निकाल के रख। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई मोटे तले की लेनी है। अब हमने मध्यम आंच पे खोए को इसके अंदर डालना है। खोया इस तरीके से हम डालेंगे और इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं हम इसको हमारी जो कलछी है उसकी मदद से थोड़ा सा इस तरीके से दबा दबा के, क्योंकि खोआ गर्म होने लगेगा तो पिघलेगा, तो सारी हमने ख़त्म करनी है सो दैट कोई भी लम्स ना बचे। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से चलाना है और थोड़ा ही पकाना है। ध्यान रहे आप दानेदार खोआ लें, दानेदार खोए से बेहद ही बेहतरीन बनेंगे आपके नारियल के लड्डू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बीच बीच में आप चलाते रहें। इसको भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, करीबन 5 मिनट हम इसको पकाएंगे मध्यम आंच के अंदर। तो बीच बीच में इसको चलाते रहना है सो दैट ये नीचे कढ़ाई पे लगे ना, और ऑलरेडी खोए के अंदर खुद का इतना घी होता है कि आपको एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाइट खोआ है, हल्का हल्का ये ऑफ वाइट हो जाएगा करीबन 5 मिनट के बाद में, जब ये हल्का हल्का पक जाएगा। तो आपने मोटे तले की कढ़ाई पे इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि खोआ 5 मिनट्स के बाद लगभग कुछ इस तरीके का हो गया है और बेहद ही अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं चिपकना भी बंद कर दिया है खोए ने कढ़ाई के साथ में। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे बबूल की गोंद। तो इस तरीके से गोंद हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो हम इसको इस तरीके से कटोरी की सहायता से क्रश कर लेंगे। क्रश करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का दरदरा रखना है। हम ये काम मिक्सी में भी कर सकते थे बट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रंचीनेस चाहिए ना, तो इसके जो दाने हैं वो हल्के मोटे ही होने चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ भी करीबन आप एक चम्मच जो है बबूल की गोंद बचा लेंगे और बाकी आप डाल देंगे। इस स्टेज पे हमने जो गैस है हमारा बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल बिना गैस के ही ये सारी चीज़ें जो है मिक्स कर रहे हैं हमारे खोए के अंदर। गैस बंद करके आप अच्छे से सबसे पहले बबूल की जो गोंद है उसको आप मिला लीजिए खोए के अंदर। थोड़ी सी हमने बचा भी ली है बाद के लिए। अब हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे और उसी के साथ में हमने पीसी हुई चीनी जो है इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से चलाते रहिए, चीनी भी धीरे धीरे खुद ही पिघल भी जाएगी हल्की हल्की, क्योंकि गर्म होती है तो पिघलती है, और बेहद अच्छे तरीके से ये आपके खोए और जो गोंद है उसके मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चलाते रहें, चलाना बेहद ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो एकदम आप कढ़ाई में हर समय चलाते रहें कलछी को। अब हमने जो नारियल लिया था पिसा हुआ, उसमें से हमने करीबन 3 से 4 चम्मच हमने नारियल के जो बुरादा है उसको डाला है हमारे इस खोए के अंदर। इससे क्या होगा, नारियल के लड्डू हैं तो नारियल अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। हिसाब अनुसार करीबन हम आधा जो नारियल है वो अंदर डाल देंगे हमारे लड्डुओं के अंदर, और आधा हमने बचा के रख लिया है इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने मिक्स करना है और इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहें करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद में हम अपना गैस बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये रेसिपी है बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से इसको प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के एक बार हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हमने गोंद बचाई हुई थी उसको भी हमने इस तरीके से मिला के मिक्स कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पूरा जो खोए का मिश्रण है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बनाने हैं गोल गोल लड्डू। लड्डू का हिसाब साइज़ का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नारियल के लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं, करीबन थोड़े छोटे लड्डू अच्छे लगेंगे देखने में। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स कर लिया है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे गोल गोल लड्डू इस तरीके से बनाते रहिए।
आप देख सकते हैं कितना इजी है ये। और इस तरीके से आपने सारे जो लड्डू हैं बना के रेडी कर लेने हैं, और एक प्लेट में आपने नारियल का बुरादा फैला देना है और उसके ऊपर ये लड्डू रखते जाने हैं। और जैसे ही आपके सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे, फिर आप ये जो नारियल का बुरादा है उससे पूरे लड्डुओं की कोटिंग कर दीजिएगा, और बेहद बाजार जैसे बढ़िया लड्डू नारियल के बन के आपके तैयार हो जाएंगे, जिसको आप फेमस नाम से संडीले के नारियल के लड्डू भी बुलाते हैं। दोस्तों, इतनी सी ही रेसिपी है, ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। केवल 4 चीज़ों से आप घर पे बेहद आसानी से करीबन 15 मिनट के अंदर बेहद स्वाद नारियल के लड्डू बना सकते हैं। तो लुत्फ़ उठाएं इन नारियल के लड्डुओं का, बेहद इजी बनाने में है। आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से हमने बनाए। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हम बेहद बढ़िया रेसिपीज़ ईजी मैनर में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।